अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। एक बड़ा फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, बंदा डट गया है पीछे नहीं हटेगा, चाहे भारत इधर की उधर कर दे या इधर की इधर कर दे। मोहसिन नकवी ने जो बात कर दी है ना, मैं आपको बड़े फैक्ट बताने लगा हूं। जो बंदा बाबर को दोबारा कप्तान बना सकता है अगर बात की, करके दिखाया, जो बंदा आमिर इमाद को वापस ला सकता है, जो बंदा, जी हाँ ये बात जरा यहां पर नोट कीजिएगा, बाबर शाहीन रिजवान जैसे प्लेयर के अगेंस्ट होके अपनी बात मनवाता है। बाबर शाहीन रिजवान के कॉन्ट्रैक्ट डबल करवाए थे इंजमामुल हक ने, लेकिन मोहसिन नकवी ने अपनी बात मनवाई, अपने एक दबदबा बनाया है। जी हां, और मोहसिन नकवी ने आज तक जो फैसले किए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, उनके ऊपर बंदा स्टिल खड़ा हुआ है, अपनी बात के ऊपर कायम है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भी हर बंदा यह बात कर रहा है कि जो इस बंदे ने बड़ी बातें की हैं, जो स्टांस ली है और जो बातें कही है वो करके दिखा चुका है, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पीछे नहीं हटेगा। और भारत अगर इस गलत फहमी में है कि पीसीबी जो झुक जाएगा, ये ना रमीज राजा है, रमीज राजा ने, वैसे रमीज राजा एक दलेर चेयरमैन था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बड़े गलत टाइम पे आउट हो गए थे। और जो स्पेशली है एक तो मतलब जका अशरफ थे ना, इसके अलावा नजम सिटी जो है, उन्होंने भी भाग दौड़ अच्छी की थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ लगा नहीं था और जय शाह के आगे एक्सेप्ट कर लिया था। जका अशरफ ने जो प्रपोजल है उसका हाइब्रिड मॉडल का, वो एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया था, लेकिन मोहसिन नकवी ने अब रमीज राजा वाली थोड़ी सी मतलब दिखाई है कि मैं जनाब अपनी बात के ऊपर कायम हूं। उन्होंने सबसे सिंपल जे किया है, पीसीबी का काम नहीं है, आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, अब भाई यानी उन्होंने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं है, आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, जो उन्होंने सिंपल रखा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी क्या होता है। अपडेट्स अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।